सिंह के बाद अब ईडी ने अचानक पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान के घर पर छापा मार दिया। कल उनसे 12 घंटों तक पूछताछ की गई है। शरद शर्मा बता रहे हैं क्या है पूरा मामला। ये भीड़ जमा है दिल्ली के जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन में, जहां ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान रहते हैं। मंगलवार सुबह अचानक ईडी ने अमानतुल्ला खान के घर छापा मार दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्ला और उनके सहयोगियों के 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी की। अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने FIR की थी। उसी मामले को अब ईडी जांच रही है। ईडी सूत्रों का दावा है कि ACB की तलाशी में अमानतुल्ला खान के करीबी लड्डन खान के यहां से डायरी मिली थी। इस डायरी में हवाला लेन देन का जिक्र था। इसी मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में बीते साल सितंबर महीने में एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको तुरंत जमानत मिल गई थी। जब अमानतुल्ला खान का मामला कोर्ट के अंदर गया, ACB ने गिरफ्तार किया था, तो अदालत ने न सिर्फ 12 दिन के भीतर 16 सितंबर को अमानतुल्ला खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था इसी मामले के अंदर, और 28 सितंबर को अदालत ने जमानत दे दी थी, और जमानत देते हुए जांच एजेंसी जो ACB है उसको फटकार भी लगाई थी, और जिस तरह की टिप्पणी जमानत देते हुए की थी वो ये सीधे सीधे ये कह रही थी कि शायद कोई केस ही नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था हम जो केस के मेरिट हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। BJP आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। इनके यहाँ से ऐसी डायरियां, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं, और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल। कल को CBI भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है, और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं हजार कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। अमानतुल्ला खान बेशक विधायक तो है ही, दिल्ली के मुस्लिम समाज में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा भी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्ला खान पर ईडी का कसता शिकंजा पहले से ही चुनौती झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ठाणे जिले के कल्याण में नर्सिंग कोर्स के नाम पर छात्राओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। कल्याण के उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने तकरीबन 37 विद्यार्थियों से 52 लाख रुपए फीस के तौर पर वसूले, लेकिन जब कोर्स पूरा हुआ तो जाली सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डायरेक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार है। सुनील सिंह की रिपोर्ट। हजारों की फीस भरकर जिस नर्सिंग कोर्स के जरिए ये छात्राएं करियर में उड़ान भरने की उम्मीद पाले थी, उसी उड़ान संस्था ने इन्हें अब औंधे मुंह गिरा दिया है। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो फर्जी है। हमारा GLM का कोर्स था, जनरल नर्सिंग डिग्री, ये 3.5 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल में थियरी नॉलेज दिया जाता है और 6 महीने के लिए इंटर्नशिप भेजा जाता है। तो हम लोग को बोला था कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो कल्याण में है वहाँ पे आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, पर हम लोग को कुछ इंटर्नशिप नहीं मिला। और हमारा जब भी 3 साल कम्प्लीट हुआ है तो ऐसा सर्टिफिकेट हम लोग को दिया है जिसपे GNM भी मेंशन नहीं है, और एडवांस डिप्लोमा इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट लिख के दिया है। मतलब जो डॉक्टर चेंज करते हैं, पेशेंट केयर जो होता है, केयर टेकर टाइप, उसका सर्टिफिकेट हमको दिया है। थर्ड ईयर रनिंग है हमारा, और ये लोगों ने हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट शो नहीं किया, और उसके बाद हमारा थर्ड ईयर का फीस ये लोग ले रहे हैं।
और अभी हमारे जो सीनियर बैच थे वो लोग को ये लोगों ने फेक सर्टिफिकेट दिया है, जिसके ऊपर स्कैनर जो है उसका स्कैन करने के बाद अपना ये एक्टर एक्ट्रेस की फोटोज आ रहे हैं, और हमारा उसके ऊपर जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन क्या है, हमारा पूरा डिटेल आना चाहिए, वो सब नहीं आ रहा है। हैरानी की बात है कि ठगी का मामला उजागर होने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। स्थानीय पूर्व नगर सेवक के दखल देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन तब तक उड़ान इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन के संचालक उड़ चुके थे। विद्यार्थिनियों का ये कहना है कि नर्सिंग जो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उस गवर्नमेंट के माध्यम से